हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपी स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम ब्यूटीफुल सी लटकन बनाने वाले हैं, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लटकन के लिए मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, 4 से 4.5 इंच लेना है। इसके बाद हमें इस तरीके से इसे जो है फोल्ड कर लेना है, फिर एक बार और इसे फोल्ड कर देना है और राउंड शेप में इसे कट कर देना। हमें एकदम गोल राउंड शेप कट करना है, तो हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद राउंड शेप इसका जो है बना लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे हम ओपन करेंगे तो राउंड शेप बन जाएगा। अगर आप किसी ढक्कन वगैरह से भी कट करके इसे बना सकते हो। इस तरीके से दोनों राउंड शेप कट करने के बाद इन्हें हम जो है अगरबत्ती से सेट कर लेंगे ताकि इसके धागे ना निकले। उसके बाद एक और फैब्रिक लिया है मैंने, उसकी जो लंबाई चौड़ाई भी बराबर है, 2 से 2.5 इंच रखना है इसे। इसे भी इसी तरीके से फोल्ड करना है हमें और इसे भी उसी तरीके से कट करना है। इसे भी एकदम गोलाकार में गोल ही कट करना है हमें, पर साइज़ थोड़ी सी इसकी छोटी रहेगी। तो इस तरीके से हमें ये भी कट कर लेना है। देखिए इस टाइप से मैंने इसे कटिंग कर लिया, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इसे कट कर लेना है। इसके बाद हमें जो है इसे इस टाइप से चारों तरफ पूरा राउंड शेप जो फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से हमें इसे यहाँ से पूरा जो है गोल राउंड है ये इसे इस टाइप से हमें पूरा फोल्ड करना है अंदर। उसके बाद इसे और भी हमें देखिए इस तरीके से दबाते हुए और भी पूरा फोल्ड करने के बाद इसे सिल लेना है सुई धागे की हेल्प से। जो हम पोटली बनाते हैं उसी टाइप से हमें जो है गोल गोल बना लेना है इसे। पोटली जो बनाते हैं उसमें साइड में जो है थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा रहता है, पर ये एकदम राउंड शेप एकदम गोल बनेगा, ये गेंद की तरह बन जाएगा एकदम अच्छे से। तो इस तरीके से हमें जो है इसे अच्छे से जो है सेट करके बना लेना है, सिल देना है इसे। देखिए इस टाइप से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसे इस तरीके की 5 से 6 बॉल्स हमें जो है बना लेना है। और देखिए मैंने सभी बॉल्स बना के कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो हमने ये रेड कलर का राउंड शेप कट किया था इन्हें अच्छे से हमने सेट कर लिया ताकि हमारे धागे जो हैं निकले ना। उसके बाद हमें इस तरीके से इसे बराबर करके फोल्ड कर देना और इसके सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ से एकदम हल्का सा जो है हमारी जो डोरी है इसके अंदर पिरो जाए इतना सा ही हमें जो है यहाँ सेंटर में दोनों में कट लगा देनी है। अब हमें इसे एक के ऊपर एक रखना है, एकदम राउंड हमारा जो है बराबर होना चाहिए, इस तरीके से सेंटर में ही रहना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद मैंने देखिए डोरी बनाई है, तो इस डोरी को सेंटर में इस तरीके से सीधे साइड से उल्टी तरफ पिरो देना है हमें। और यहाँ से इसे जो है सुई धागे से सिलने के बाद हमें जो है इसे बांध देना है। देखिए यहाँ से 2-4 टांके लगा दूंगी, फिर मैं राउंड राउंड लपेट के इसे जो है अच्छे से एकदम इसमें जो है अटैच कर दूंगी डोरी में। देखिए इस तरीके से अटैच करने के बाद मैंने इसे जो है ओपन कर लेना है। देखिए इस टाइप से इस तरीके की भी लटकन बहुत ही प्यारी लगती है बनने के बाद। तो इसके बाद हमें जो है इसमें जो हमने बॉल्स बनाई थी छोटी छोटी वो अटैच करना है, तो वो थोड़ा सा हमें जो इसके नीचे की तरफ अटैच करना है। तो हम इसे इस तरीके से पकड़ लेंगे और सेट करने के बाद हमें जो है इसे यहाँ से अच्छे से पकड़ने के बाद यहाँ से मैं जो है इसे इतना थोड़ी नीचे से मैं यहाँ से सिल दूंगी और राउंड राउंड धागा लपेट दूंगी और वहीं पे जो ये सभी बॉल्स मैंने बनाई है उन्हें मैंने अटैच कर देना है।
देखिए इस टाइप से बना के हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो है, जो मैंने छोटी छोटी बॉल्स बनाई है फैब्रिक्स की बनाई है, ये वाली बॉल्स जो है हमें इसमें अटैच कर देना है। तो पूरा देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इसे अटैच करूँगी, जहाँ से हमने जो है धागा लपेट के लटकन बनाई है वहीं पर हमें जो है इसे अटैच करना है। उसके पास में सेकेंड थर्ड इस तरीके से पूरी जितनी बड़ी चौड़ाई है हमारी लटकन की उतनी बॉल्स आ जाएगी। फिर इसके पास में हमें एक और अटैच कर देना, फिर उसके पास में इस तरीके से पूरी को हमें जो है कंप्लीट कर लेना है। मैंने सभी जो है अटैच कर लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी जो है लटकन बन के तैयारी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। सिर्फ 5 मिनट में जो है ये लटकन बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। फैब्रिक से ही मैंने बनाई है, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।